साथियों नमस्कार। कोरोना के इस दौर में मनरेगा मजदूरों के पक्ष में जो सरकारों द्वारा घोषणा की गई है वो इस संकट की घड़ी में भी जमीन के स्तर पर लागू नहीं हो रही है। हमने लगातार सरकार व प्रशासन से मनरेगा मजदूरों की जो समस्या है उनको उठाया, लेकिन प्रशासन व शासन का तंत्र उसमें चुप्पी साधे हुए है। इसलिए हमने तय किया है आने वाले समय में हम गांव गांव में पदयात्रा करेंगे मनरेगा मजदूरों को जागरूक करने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए, उन्हें अपनी आवाज खुद बढ़ने के लिए। और जो तमाम जो समस्या है इस दौर में उन समस्या को लेकर के एक जनहित याचिका हिमाचल के उच्च न्यायालय में दाखिल की जाए। जब पूरे देश में संकट का दौर है और इस संकट के दौर में सरकारें घोषणा करती है और उन घोषणा को जो प्रशासन का तंत्र जमीन के स्तर पर लागू नहीं करता है तो उसे साफ झलकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति इन जनपक्षीय कानूनों को और जो अच्छी योजना आम लोगों के लिए बनी हुई है उनको लागू करने के लिए नहीं है। हमने मांग की है कि जो स्वराज का क्षेत्र है, जो माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, ये पूरा पूरा इलाका हिमबाधित है। जब बर्फबारी गिरती है उसमें प्रशासन मनरेगा मजदूरों को काम देने से इनकार करता है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे बेहतर दिन आजकल के हैं, लेकिन अभी तक इस साल में मनरेगा मजदूरों को जो कार्य दिया गया है वो 14 से लेकर के 28 दिनों के बीच का है। जून खत्म होने जा रहा है, उसके बाद बरसात का मौसम होगा। कई इस साल में पंचायत राज के चुनाव भी है, तो इस दौर में पूरा पूरा जो हमारा मनरेगा मजदूर है वो कोरोना महामारी के साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं घटी हुई है, कभी भारी ओलावृष्टि, कभी भारी बारिश जिससे उनकी जो फसल है वो भी चौपट हो गई है, तो इस दौर में जो पहल करनी चाहिए थी प्रशासन को उनको रोजगार देने के लिए, जो मजदूर काम मांग रहे हैं उनके कामों को अवैध लेने के लिए वो कोई पहल नहीं हो रही है। इसलिए हमने 16 तारीख से एक अभियान, एक पदयात्रा का निर्णय लिया है जिसकी शुरुआत हम ग्राम पंचायत घाट से करेंगे और ये पदयात्रा लगभग 20-25 दिन जारी रहेगी। उसके बाद जो हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है, जो अर्जी है मजदूरों की, उसको हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।